मैं पीवी नरसिंह राव। बात है साल 1991 की। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि बिना चुनाव लड़े नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे। 6 महीने के अंदर संसद में सीट पक्की करने का नियम है, इसलिए आंध्र प्रदेश की नांदयाल सीट से नरसिम्हा राव ने उपचुनाव लड़ा। टक्कर बीजेपी के दिग्गज बंगारू लक्ष्मण से थी। नतीजे आए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरसिम्हा राव को 6,26,241 वोट मिले, जबकि बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ 45,944। राव ने ये चुनाव 5,80,297 वोटों से जीता। ये उस वक्त किसी भी लोकतांत्रिक देश में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। प्रचंड बहुमत के साथ नरसिम्हा राव संसद पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री का पद नरसिम्हा राव को सिर्फ संयोग से मिला था। अगर राजीव गांधी की हत्या न हुई होती तो नरसिम्हा राव कभी प्रधानमंत्री न बन पाते। मिस्टर स्पीकर सर, नरसिम्हा राव ने जिस तरह अल्पमत की सरकार चलाई, जिस तरह विवादों के भंवर से खुद को निकाला और पार्टी को संभाला, उसकी वजह से उन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाने लगा। 1994 में प्रधानमंत्री रहते हुए नरसिम्हा राव ने विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा करके पार्टी और पाकिस्तान दोनों को चौंका दिया था। आगे की कहानी आप खुद अटल बिहारी वाजपेयी से सुनिए। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी से नरसिम्हा राव की दोस्ती बेमिसाल थी। दोनों विद्वान थे लेकिन विरोधी पार्टी में थे। दोनों के लिए इंडिया फर्स्ट था लेकिन सत्ता की सीढ़ी अलग थी। शायद अटल बिहारी वाजपेयी से राव की नजदीकी और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को पार्टी के ही नेता सही ढंग से समझ नहीं पाए। चंद शब्दों में ने कहा कि वो हमारे नहीं, भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। ये तो मैंने अरसों पहले लिखा है और आज आप इसको दोहरा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता है क्यों। क्योंकि जो मैंने कहा मैं उस पर सुदृढ़ हूं। मणिशंकर अय्यर ने जो खुले शब्दों में कहा है वो कहने से कांग्रेस के नेता तो बचते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार राव का नाम लेकर कांग्रेस को घेरती है, आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के साथ न्याय नहीं किया। राहुल बाबा को स्वप्न आता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, आज भी एक महान तेलंगाना की जनता पीवी नरसिम्हा राव का जो आपने अपमान किया था वो भूली नहीं है। मेरा तो मानना है कि मोदी सरकार द्वारा नरसिंह राव को भारत रत्न देना भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। उन्होंने, ये ठीक है कि भारत को उन्होंने एक नई अर्थनीति का मॉडल दिया और उसको उन्होंने लागू किया, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। अगर बाबरी मस्जिद उस तरीके से नहीं टूटी होती और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उनकी ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने जो किया, जिस तरह से रिश्वतें वगैरह दी गई और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक आरोप साबित भी हुआ है, तो नरसिंह राव का जो पूरा प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल था वो बेदाग नहीं था। और एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, प्रधानमंत्री ऐसे बड़े पद पर रहते हुए और जिसके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई हो, मैं नहीं समझता कि वो भारत रत्न जैसी बड़ी उपाधि का हकदार था। वो व्यक्ति जिसको नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बनाया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपने गुरु को, उस व्यक्ति को जो उन्हें राजनीति में लाया, उसको वो एक तरीके से ये भारत रत्न नहीं दिलवा पाए, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। ये अगर आप समझें कि किस तरह के रिश्ते रहे, कांग्रेस अगर में वही चल पाता है जिसके रिश्ते गांधी परिवार से सही हो, वही हाई कमान है। अगर हाई कमान से आपकी अनबन है तो आपको किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, आपको एक तरीके से डॉग हाउस में रखा जाएगा। यही हमने देखा नरसिम्हा राव के साथ।
तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने अपनी धरोहर देश के नरसिम्हा को भुला दिया? क्या कांग्रेस ने राव की उपेक्षा की? ये सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उठे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई स्मारकों का दौरा किया था। वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन हैदराबाद में यात्रा के दौरान वो पीवी नरसिम्हा राव के समाधि स्थल पर नहीं गए। नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के योगदान को सम्मान नहीं दिया। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखें।